स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7A के क्वेश्चन नंबर 1 से लगा करके 7 तक के प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था, उनको प्रश्नों को हल किया था। उसमें मैंने कुछ प्रश्न हल कराए थे और उसी समान अन्य प्रश्न थे, तो वो आपको करके देखने के लिए कहा था। आज हम क्वेश्चन नंबर आठ को देख रहे हैं, जो इस प्रकार से है। एक आव्यूह है 3 कोटि का, 3×3 कोटि का एक आव्यूह है, जिसमें 3 पंक्ति और 3 कालम हैं, और ये हमें दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये ए बराबर, ये हमारे को एक 3×3 का, 3×3 का एक आव्यूह दिया गया है, 3×3 का। अब हम इसको उसी तरह से, जैसे कि 2×2 का, 2×2 का कोटि वाला हमने आव्यूह किया था, उसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि a बराबर आई ए, जहाँ पर a का मान आपके पास में है 2, -1, 3, -5, 3, 1, -3, 2, 3, और i आइडेंटिटी आव्यूह है या इकाई आव्यूह है, तो हम इसको 3×3 का एक इकाई आव्यूह बनाते हैं। ये इस प्रकार से ये इकाई आव्यूह, और ए को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, इस ए को ऐसा कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमें इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है या प्रतिलोम ज्ञात करना है। अब सबसे पहले इनमें हमें मालूम करना है कि ये जो इकाई आव्यूह है, इस आव्यूह के बना प्रकार का इसको बनाना है, यानी कि ए वाले को इस इकाई आव्यूह के समान बनाना है, और वही हमारा जो इधर वाला मान प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड वाला, वो हमारा उसका प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है, या व्युत्क्रम कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इस संक्रियाओं को लगाते हैं, संक्रिया, और संक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो हमारी R2 है, ये दूसरी वाली पंक्ति जो है, इसमें क्या करते हैं कि R1 को प्लस कर देते हैं, R2 + R1 कर देते हैं, यानी कि जो R1 है उसे हम R2 में यदि प्लस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये देखते हैं। क्योंकि हमें ये जो इसका मुख्य विकर्ण है, इसके सभी अवयव 1, 1, 1 करना है, और बाकी शेष अवयवों को हमें शून्य करना है। इसलिए हमें ऐसी युक्तियों का प्रयोग करना है, ऐसी संक्रिया या ऐसे एल्गोरिथम का प्रयोग करते जाना है कि जिससे कि ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 प्राप्त हो जाए और बाकी के शेष जो है वो हमें 0 प्राप्त हो। तो हमें ये संक्रियाएं उपयोग में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे हमने ये किया R2 tends to R2 + R1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो R1 है वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा, लेकिन R2 + R1, 2 में -5 में आप 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास में क्या बचेंगे, -3। इसी तरह से 3 में आप -1 को प्लस करेंगे तो आपके पास में क्या बचेंगे, 2, क्योंकि ये माइनस के हैं। इसी तरह से 1 में आप 3 को प्लस करेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, 4। और तीसरी पंक्ति हमारी ऐसी कैसी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर भी हम R2 + R1 करते हैं, तो पहली पंक्ति तो आपकी ऐसी कैसी रहेगी, दूसरी पंक्ति में आप 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 मिलेंगे, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 मिलेंगे, 0 में 0 करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और तीसरी पंक्ति आपकी ऐसी ही रहेगी, और इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होगा पहली संक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार से हम अब दूसरी संक्रिया का उपयोग करेंगे और आगे की देखेंगे कि हमें क्या प्राप्त होगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये समान समान पद प्राप्त हुए हैं, तो इनको किसी एक को हम आसानी से 0 बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि संक्रिया में, जो संक्रिया हम उपयोग कर रहे हैं वो इस प्रकार से है, R3 tends to R3 - R1। यदि हम R3 में से R1 को माइनस कर दें, R3 में से R2 को माइनस कर दें, क्योंकि ये समान है, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगी आपकी अगली वाली संख्या है। जैसे देखिए, पहली पंक्ति आपको कोई चेंज नहीं करना है,
R3 में से R2 को माइनस करना है तो R3 चेंज होगा, R2 सेम रहेगा, इसलिए आपके पास में ये दूसरी पंक्ति भी सेम रहेगी। और तीसरी पंक्ति -3 में से -3 गए 0 बचे, 2 में से 2 गए 0 बचे, 3 में से 4 गए तो माइनस के 1 बचे। ठीक है, इसी प्रकार से इधर की साइड में भी आपके पास में पहली पंक्ति तो ऐसी रहेगी, दूसरी पंक्ति भी ऐसी रहेगी। तीसरी पंक्ति में हम क्या करेंगे, 0 में से 1 गए तो माइनस के 1 बचे, 0 में से 1 गए तो माइनस के 1 बचे, और 1 में से 0 गए तो 1 बचे, और इस प्रकार से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगली संक्रिया, जब तक कि हमें इस इकाई अवयव प्राप्त नहीं हो जाए लेफ्ट हैंड साइड वाला, तब तक संक्रियाएँ लगाते रहेंगे। तो संक्रिया, अब की बार हम संक्रिया में क्या करेंगे कि जो R1 है उसमें R2 को प्लस करके देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, देखते हैं R1 चेंज होगा, 2 में -3 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1, इसी तरह से 2 में -1 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1, इसी तरह से 4 में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको 7, और बाकी दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति कोई चेंज नहीं होगी। इसी तरह से इधर भी R1 में R2 को प्लस करेंगे तो ये जैसे R1 है तो R1 चेंज होगा तो 1 + 1 = 2, ये 2 हो जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएंगे आपके पास में 1, इसी तरह से 0 में 0 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0, बाकी दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति कोई चेंज नहीं और ए का ए आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से संक्रियाओं को चालू करते हैं हम। एक संक्रिया फिर आएगी हमारी, और ये संक्रिया हैगी R2 टेंड्स टू -1, -3, 1, 2, 7 और 4। ठीक है, तो अब हमारे को जो प्रक्रिया करनी है कि ये 0 मिल जाए, जिससे कि ये वाला जो हमारा इस कॉलम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए R2 टेंड्स टू R2 - 3R1, यानी कि R1 में अगर 3 का गुणा करके ने R2 में से घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है हम ये देखेंगे। अब देखना ये, ठीक है, जैसे देखना R1 चेंज नहीं है तो R1 को तो हम ऐसा कैसे ही लिख देते हैं, R2 3R1, पहले इसको 3 से गुणा करेंगे तो -3 आएगा, -3 में -3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका -3, ये है ये -3 प्राप्त हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 0, तो ये 0 प्राप्त हो गया। इसी तरह से आपने 3R1 किया तो ये 3 है ये 2 है, 2 में से 3 जाएंगे तो आपके पास में माइनस का 1 बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो 7 + 21 हो जाएंगे, 4 में से 21 घटाओगे तो माइनस के 17 बच जाएंगे। ठीक है, तीसरी वाली पंक्ति में कोई चेंज नहीं किया हमने तो ये चेंज ऐसा कैसे रह जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम करेंगे R2 में से 3R1 माइनस करना है तो 3R1 यानी कि 3 × 2 = 6, ये 6 हो गए, 6 में से आपको क्या 1 में से 6 घटाएंगे तो क्या बच जाएंगे आपके पास में माइनस के 5। तो पहली पंक्ति तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये सी कैसी रहेगी। अब दूसरी पंक्ति आप चेंज करेंगे, 3 × 2 = 6, 1 में से 6 गए माइनस के 5 बच गए, इधर आपके पास में 3 आएंगे, 3 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और इधर 0 है तो 0 का 0 तो ये 0 के 0 हो जाएंगे। ठीक है, तीसरी पंक्ति में कोई चेंज नहीं है तो ये सही रह जाएगा और आपके पास में 1 प्राप्त हो जाएगा। ये था हमारा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। हमारी संक्रिया है और संक्रिया में हम क्या करते हैं, अब की बार देखिए आपने देखा होगा कि ये 3 0 तो मिल गए हमें, अब ये 3 0 चाहिए हमें, है ना, और साथ में ये तीनों 1 1 चाहिए। तो हम अब इसमें 0 लाने के लिए कुछ प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हल करते हैं। तो देखना आप क्या करते हैं, अपन संक्रिया में जो संक्रिया हमारी इसमें इस प्रकार से आएगा R1 + R2, और अब की बार दो संक्रियाओं को एक साथ कर देते हैं, R3 tends to -1R3, ये इस प्रकार से ये आ जाएगा।
संक्रिया में R1 प्लस R2 तथा R3 में क्या करेंगे, R3 टेंड्स टू माइनस वन का ही R3 में गुणा कर देंगे, जिससे कि जो माइनस का चिन्ह है वो आपका प्लस में बदल जाए, तो इसे एक इकाई हमें और प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारी जो संक्रिया है, एक साथ दो दो करेंगे, R1 प्लस R2, तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, और इसमें R3 में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो R1 में हम R1 प्लस R2 करते हैं, तो R1 जीरो, R1 हमारा माइनस वन है और ज़ीरो है, आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे, तो थोड़ा अपना अलग अलग दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे से देखते जाऊँगा, तो ये माइनस वन है और ज़ीरो जोड़ेंगे तो माइनस वन का माइनस वन ही रहेगा, इसी तरह से वन में माइनस वन जोड़ेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, इसी तरह से माइनस टेन में माइनस सत्रह जोड़ेंगे तो आपके पास में सिर्फ क्या बच जाएंगे, माइनस के दस, क्योंकि माइनस सत्रह में जो आर वन है सात है और माइनस सत्रह है तो इसको जोड़ना है, तो सात में से माइनस सत्रह हो जाएंगे और सात में से माइनस सत्रह यानी कि सात में से सत्रह घटाएंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे आपके पास में, दस, और सेकंड लाइन आपकी कोई चेंज नहीं हो रही है तो उसको ऐसा कैसे ही लिख देंगे, ये माइनस सत्रह। थर्ड लाइन में आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो जीरो का माइनस एक से गुणा जीरो ही रहेगा, जीरो का माइनस एक से गुणा जीरो ही रहेगा, माइनस वन का माइनस वन से गुणा कर देंगे तो वन हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप कि ये जीरो प्राप्त हो गया, इधर वन भी प्राप्त हो गया इस दो संक्रियाओं को लगाने से, तो सेम संक्रिया हम इसमें भी लगाएंगे, इस साइड में, इस साइड में हमारी संक्रिया चलेगी तो वो ऐसे चलेगी जैसे आपके पास में था, हमारे पास में सबसे पहले दो, दो में हमने माइनस पाँच जोड़ा तो माइनस के तीन मिले, इसी तरह से माइनस एक में माइनस दो को जोड़ा हमने तो हमारे को क्या मिलेंगे, नहीं, एक में माइनस दो को जोड़ा तो हमारे पास में मिलेंगे माइनस का एक। ठीक है, और जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। दूसरी पंक्ति हमारी ऐसी कैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं, माइनस फाइव माइनस टू जीरो, और तीसरी पंक्ति में आपके पास में है जो चेंज करने के, क्योंकि माइनस एक का गुणा करना है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमारा पेज इधर से उधर होने से हमें थोड़ी सी परेशानी, हमने इसको देखते हुए वो संक्रिया लगाई और ये प्राप्त किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आते हैं अगली संक्रिया के लिए, फिर से एक, अब हमारे पास में ये जीरो हो गया, अब इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है और इन दोनों माइनस को प्लस में करना है। ठीक है, ये बची हुई हमारी, तो फिर से एक एक संक्रिया और प्रयोग करके देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो अब की बार हमने प्रयोग किया तो हमारे पास में जो प्राप्त होगा वो देखते हैं संक्रिया में, सबसे पहले जैसे इसको माइनस में बदलना है ना, और इसको जीरो में बदलना है, इसको प्लस में बदलना है, इसको जीरो में बदलना है, तो R1 वन टेंड्स टू आर वन प्लस टेन आर थ्री, इस टेन को जीरो बनाने के लिए टेन आर थ्री कर दिया, यानी कि इसमें टेन का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक संक्रिया और लगा देते हैं, R2 टू टेंड्स टू आर टू प्लस सेवनटीन आर थ्री, ये इसमें यह जीरो प्राप्त करना है तो इसमें भी क्या करते हैं, सेवनटीन आर थ्री इसमें सत्रह का गुणा करके इसमें से इसमें जोड़ देंगे तो ये भी जीरो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो ये दो संक्रिया एक साथ लगाई हमने हमारे पास में, और ये आते ही अब देखना, आर वन प्लस टेन आर थ्री, इसमें दस का गुणा करेंगे, आर वन में जोड़ेंगे, माइनस एक का माइनस एक ही रहेगा, जीरो है, इसी में देखें दस का गुणा करेंगे जीरो आएगा, जीरो को जीरो में प्लस करेंगे तो जीरो ही रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 एकम 10, इस माइनस 10 में 10 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो। फिर दूसरे नंबर पे जीरो आर टू टेंस, तो आर टू में 17, आर थ्री में 17 का, यानी कि इसमें 17 का गुणा करके इसमें से इसमें जोड़ना है, तो जीरो में 17 का गुणा किया जीरो, जीरो में जीरो तो जीरो, जीरो में 17 का गुणा किया जीरो, जीरो में से माइनस एक को प्लस करेंगे तो आपके पास में मिलेंगे माइनस के एक। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे हमने 10 इस एक में 17 का गुणा किया, 17 एकम 17, 17 में प्लस 17 किए, ये प्लस के 17 है, ये माइनस के 17 है तो ये हमें मिल जाएगा जीरो, और तीसरी रो कोई चेंज नहीं है तो ये ऐसी कैसी रहेगी, इस प्रकार से।
अब देखिए आपके पास में ये जीरो जीरो मिल गए, ये जीरो मिल गए, ये माइनस के बचे हुए हैं सिर्फ, ठीक है, ये एक ही है। अब इनको केवल प्लस का बनाना है। अब इधर भी यही प्रक्रिया अपना लेते हैं और हल करते हैं। आर वन प्लस टेन आर थ्री, ये दस हो गए, है ना। अब माइनस तीन में दस जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, माइनस के सात, ठीक है। इसी तरह से ये दस है, दस एकम दस है, इस माइनस एक में दस जोड़ोगे तो कितने मिलेंगे आपको, माइनस के नौ, माइनस के ये दस है, इसमें माइनस एक को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे अपने को, दस, और वो भी काई के दस में से एक जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएंगे माइनस के नौ। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं हम और इसमें देखते हैं कि ये आपके पास में मिलेंगे माइनस के दस और ये जीरो है, तो जीरो में से दस को हम घटाएंगे, जोड़ रहे हैं तो कितना आ जाएंगे आपके पास में। देखिए फिर से देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दस है, दस में से तीन गए क्योंकि प्लस करना है, तो दस में माइनस तीन प्लस करेंगे तो दस प्लस के हैं तो केवल सात प्लस के बचेंगे। इसी तरह से ये दस प्लस के हैं, माइनस का एक है तो दस में से एक गए तो प्लस के नौ बचेंगे। ये माइनस के दस है, माइनस के दस में जीरो प्लस करेंगे तो माइनस के दस आएंगे। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। अब आर टू चेंज करना, इसमें सत्रह है, ये सत्रह एकम सत्रह, सत्रह में माइनस के पाँच गए तो आपके पास में बचेंगे कितने, बारह। इसी तरह से ये सत्रह है, सत्रह में से दो गए, कितने बचेंगे आपके पास में, पंद्रह। और इसी तरह से ये माइनस के सत्रह है और ये माइनस के सत्रह है, इसमें से जीरो कर देंगे तो माइनस के सत्रह ही बचेंगे। और थर्ड लाइन में कोई चेंज नहीं रहेगा, वन वन माइनस वन, ये इस प्रकार से, ठीक है, और ए का ए रहेगा। अब केवल ये चीज़ बची है कि ये दोनों माइनस के, बाकी सब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो लाने के लिए फिर से संक्रिया का प्रयोग करते हैं। आर वन टेंड्स टू माइनस वन आर वन, यानी कि इसमें माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार से अब की बार सेकंड में आर टू टेंड्स टू माइनस वन आर टू, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। अब इसमें माइनस वन का गुणा कर दीजिए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये जीरो, ये जीरो। इसी तरह से सेकंड वाले में भी माइनस का गुणा कर देंगे तो जीरो प्लस का वन जीरो, थर्ड वाले में नो चेंज, ये आपके पास में इकाई अभी प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से इसमें भी गुणा कर देंगे, प्लस में ये सब माइनस के कर देंगे तो ये माइनस का सेवन, माइनस के नाइन और प्लस का टेन। दूसरे वाले में भी माइनस का ट्वेल्व, माइनस के फिफ्टीन, प्लस के सत्रह, क्योंकि माइनस माइनस के गुणा हो रहे हैं। इसमें कोई गुणा नहीं है, ये वन है, ये वन है, ये माइनस के वन है और ये ए का है, ठीक है। अब ये इकाई आ गया हमारे पास में, तो ए को हम इधर ले आएंगे तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स होगा तो ए इन्वर्स यानी कि ए का प्रतिलोम प्राप्त हो गया हमारे पास में, से माइनस सेवन, माइनस नाइन, टेन, माइनस ट्वेल्व, माइनस फिफ्टीन, सेवनटीन और ये वन वन माइनस वन, ये ए का प्रतिलोम प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से तीन कोटि वाले अवयव का हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण के द्वारा प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपने देखा है हमने इस प्रकार से ये पूरा हल किया। संक्रियाएँ बहुत लगी इसमें क्योंकि तीन कोटि का अवयव है, तो संक्रियाएँ हमें ज़्यादा लगना पड़ेगी क्योंकि तीन शून्य एक और मुख्य विकर्ण के और तीन शून्य दूसरी तरफ और इसी तरह से मुख्य विकर्ण हमें एक 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 प्राप्त करना होता है। तो संक्रियाएँ तो अधिक लगी, सवाल भी थोड़ा सा, तो इसलिए इस प्रकार के जो भी तीन कोटि के जो अवयव होंगे उनका प्रारंभिक रूपांतरण इस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद।